Xiaomi ने लॉन्च कर दिया है Redmi Note 6 Pro, और जो इसकी पहली सेल हुई है वो 23 नवंबर यानी मतलब कल हुई है, और जो Xiaomi ने जो सबसे पहली सेल में करीबन 6 लाख जो यूनिट्स हैं वो बेचे हैं। तो देखने वाली बात है कि इस फोन में ऐसा क्या अलग दिया गया है कि जो एक ही दिन में Redmi Note 6 Pro है उसकी करीबन 6 लाख यूनिट्स बेच दिए गए हैं। तो इस वीडियो के साथ आप बने रहिए, इस वीडियो में हम उसकी जो Redmi Note 6 Pro है उसके फीचर्स के बारे में बात करेंगे और इसको कंपेयर करेंगे Redmi Note 5 Pro के साथ कि दोनों में क्या क्या डिफरेंस है और क्या क्या Xiaomi की तरफ से अपग्रेड किया गया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसे ही मैंने आपको बताया कि Xiaomi ने Redmi Note 6 Pro इंडिया में लॉन्च कर दिया है, और जो इसकी पहली सेल थी वो 23 नवंबर यानी कल थी, और पहली सेल में करीबन 6 लाख यूनिट्स जो हैं वो बिक चुके हैं, और जो इसकी अगली सेल होगी वो होगी 28 नवंबर को। तो जो Redmi Note 5 Pro है वो 22 फरवरी 2018 में लॉन्च हुआ था, और जो Redmi 6 Pro है Note 6 Pro है वो 23 यानी कल ही लॉन्च हुआ है। तो दोनों फोन की अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो ज्यादा कोई डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर हम इनकी डिस्प्ले की बात करें तो Redmi Note 5 Pro की अगर डिस्प्ले बात करते हैं तो उसमें आपको मिलती है 5.99 इंच की डिस्प्ले मिलती है। हम बात करें अगर Redmi Note 6 Pro की तो इसमें आपको 6.26 इंच की स्क्रीन मिलती है, तो इसमें आपको जो स्क्रीन है वो थोड़ी बड़ी मिलेगी, साथ ही साथ इसमें आपको एक नोच भी देखने को मिलता है। अगर हम इसकी बैटरी की बात करें तो बैटरी आपको दोनों में सेम मिलेगी, दोनों में आपको 4000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, तो दोनों फोन में आपको कोई भी बैटरी में कोई भी डिफरेंस नहीं है। अब हम करते हैं इसके प्रोसेसर की बात, तो प्रोसेसर की अगर हम बात करते हैं तो जो प्रोसेसर है दोनों में ही ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, 1.8 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर आपको देखने को मिलेगा, और दोनों में ही आपको जो Redmi Note 5 Pro है और Redmi Note 6 Pro है दोनों में ही आपको स्नैपड्रैगन 636 का प्रोसेसर देखने को मिलेगा, यानी प्रोसेसर में दोनों में कोई भी चेंज नहीं किया गया है। लेकिन हमें उम्मीद थी कि Redmi 6 जो Note Pro होगा उसमें Snapdragon 636 से ऊपर का जो प्रोसेसर आना चाहिए, लेकिन Xiaomi की तरफ से ऐसा नहीं किया गया है, तो ये इसमें एक कमी हो सकती है। लेकिन चलिए बात करते हैं दूसरे फीचर्स की। अगर हम इसकी रैम की बात करें तो इसमें दो वेरिएंट आपको देखने को मिलते हैं, तो अगर हम Redmi Note 5 Pro की बात करते हैं तो इसमें भी आपको 4G+64GB इंटरनल स्टोरेज मिलता है, और अगर हम Redmi Note 6 Pro की बात करते हैं तो इसमें भी आपको 4G+64GB इंटरनल स्टोरेज आपको मिलता है। सिम स्लॉट की बात करते हैं तो दोनों में आपको डेडिकेटेड स्लॉट नहीं मिलेगा, आपको Redmi Note जो 5 Pro है उसमें भी आपको जो हाइब्रिड सिम स्लॉट था वो आपको मिलता था, और साथ ही साथ जो Redmi Note 6 Pro है इसमें भी आपको हाइब्रिड सिम ही दिया गया है। अगर हम दोनों की करते हैं रेजोल्यूशन की बात करते हैं तो जो अपना Redmi Note 5 Pro था इसमें 1080x2120 मेगापिक्सल की जो आपको रेजोल्यूशन मिलता था, लेकिन अगर हम इसमें Redmi Note 6 Pro की बात करते हैं तो इसमें 1080x2220 पिक्सल का आपको रेजोल्यूशन देखने को मिलेगा। अगर हम इनकी दोनों की प्राइसिंग की बात करते हैं, अगर आप Redmi जो Note 5 Pro है उसको अगर आप 4GB वेरिएंट लेते हैं तो वो पड़ता है आपको 13,999 रुपए का, लेकिन सेम अगर आप Redmi Note 6 Pro लेते हैं तो वो भी आपको 13,999 रुपए का ही पड़ता है। अगर हम इसके 6GB अगर आप लेते हैं तो वो पड़ता है आपको 15,999 रुपए का। तो दोनों की जो प्राइसिंग है उसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। अब हम बात करते हैं दोनों के कैमरे की, तो जो Redmi Note 5 Pro है उसमें आपको फ्रंट में मिलता है 20 मेगापिक्सल का कैमरा, और अगर बैक की हम बात करते हैं तो बैक में मिलता है आपको 12+5 का मेगापिक्सल का आपको कैमरा देखने को मिलता है। Redmi Note 6 Pro की बात करते हैं तो आपको मिलता है 20+2 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट में कैमरा मिलता है, यानी कि इसमें एक एक्स्ट्रा कैमरा और दिया गया है फ्रंट में, और बैक में अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपको 12+5 का आपको रियर कैमरा देखने को मिलता है। तो इसमें अगर जो चेंजेस हैं बस आपको आपको डिस्प्ले में और इसके जो कैमरा उसमें आपको ज्यादा चेंजेस मिलेंगे और ज्यादा कोई चेंजेस इसमें नहीं है। अगर हम कलर्स की बात करते हैं तो कलर्स जो है Redmi Note 6 Pro में आपको मिलता है रोज गोल्ड मिलता है, रेड मिलता है, ब्लू मिलता है, ब्लैक मिलते हैं, आपको ये 4 कलर्स मिलते हैं। अगर हम Note 5 Pro की बात करते हैं तो इसमें आपको मिलता है ब्लैक, ब्लू, रेड, रोज गोल्ड और लेक ब्लू कलर्स आपको मिलते हैं। अगर हम दोनों फोन के ही अगर हम एंड्रॉयड वर्जन की बात करें तो जो Note 5 Pro है उसमें आपको नोगेट आपको मिलता है 7.1.2 आपको देखने को मिलता है, लेकिन अगर हम बात करें अपना Redmi Note 6 Pro की तो इसमें आपको जो एंड्रॉयड 8.0 मतलब यानी कि आपको इसमें ओरियो देखने को मिलेगा। हम जो
इसकी इंटरनल स्टोरेज है वो मिलता है आपको दोनों में 64 GB। इसको रेडमी नोट 5 प्रो में हम इसको 128 GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन अगर हम बात करें रेडमी नोट 6 प्रो की तो इसमें हम 256 GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज इसकी प्राइसिंग। अगर हम रेडमी नोट 6 प्रो की एक और बात करते हैं, रेडमी नोट 6 प्रो में आपको गोरिल्ला ग्लास, दोनों में ही आपको गोरिल्ला ग्लास मिलता है। जो अगर रेडमी जो नोट 5 प्रो है और दोनों रेडमी नोट 6 प्रो है तो दोनों में ही आपको गोरिल्ला ग्लास देखने को मिलता है। तो ये सारे फीचर्स हुई। अगर हम मैंने आपको प्राइसिंग का बताया तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, तो रेडमी नोट 6 प्रो रेडमी नोट 5 प्रो में आपको ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि प्राइसिंग में भी कोई फर्क नहीं दिया गया है, लेकिन अगर आप स्क्रीन थोड़ा बड़ी चाहते हैं या वो कैमरा अच्छा चाहते हैं तो आप रेडमी नोट 6 प्रो को खरीद सकते हैं। तो मुझे आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो।